आमीन आमीन। हजरत, माजी करीब की नामवर शख्सियात का जब तस्करा होता है तो उनमें कौन सी अहम शख्सियात आपके सामने हैं कि जिनमें जिन्हें मुबल्लिग इस्लाम के तौर पे जाना पहचाना जाता हो? तो अगर माजी करीब, आज गोया 2021 चल रहा है, तो अगर माजी करीब में देखा जाए तो मेरी नज़र में मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी, कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर बड़े सफ़र किए और हमने अपने उस्तादों से सुना कि अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा आपने गोया तबलीग इस्लाम के लिए गोया सफ़र ही में गुजारा, और माशाल्लाह। ज़्यादा वक्त गोया पाकिस्तान से बाहर उन्होंने तबलीग की, बिलखुसूस बाहर ममालिक में, यूरोप ममालिक में आपने गोया इस्लाम की जो खिदमत की, तो माजी करीब में, और फिर माजी करीब में ही हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो जी मेरे जी उस्ताद भी हैं, मेरे मुरब्बी भी हैं, जी जी माशाल्लाह। तो उन्होंने जो तबलीग दीन के हवाले से जो काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो गिरा कदर खिदमात किबला शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की देखी, आज भी उनका वही अंदाज मेरी नजरों के सामने आता है कि जिस अंदाज में उन्होंने बाहर और पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में और दुनिया भर में जहाँ दौरे करके उन्होंने इस्लाम की दावत को आम किया, तो किबला शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो शख्सियत है मुझे नजर आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह।